बर्थ सर्टिफिकेट देवो उन्हां दा जन्म हैगा पाकिस्तान दा। अच्छा जी। ते फेर ओ कहण लगे सानू रजिस्टर मैरिज वाला देवो। हां जी। पर उस जमाने च जिस जमाने च साडा ब्याह होया उदो तां है ही कुछ नहीं सी। अच्छा जी। ओदे बारे असीं की कर सकदे? ओदे वास्ते तुहानू नोटरी पब्लिक को जाना पैणा। हां जी। ते फेर तुहानू एफिडेविट बनाउणा पैंदा हुंदा। हां जी। तो ओदे विच सारीआं चीज़ां लिखणीआं पैणीआं कि देखो जी मेरा बर्थ पाकिस्तान च होया सी बट मैं उस वे सर्टिफिकेट नहीं मिले क्योंकि नहीं इशू होंगे तो मेरा विह जी इस डेट न इस सन च होया तो उस वे विह रजिस्टर नहीं होंगे तो सा विह नहीं रजिस्टर होया पर मैं है इंडिया का जमया जा जो पाकिस्तान जमया तो मेरी वाइफ जी जी हाँ जी तो मेरी वाइफ इंडियन आ जी हाँ जी वह दसे तो थोड़ा पासपोर्ट ना लवे इंडियन तो फिर वीजा दे देंगे होंगे जी नहीं मतलब किदा साल भी एक ही है हां साल भी एक ही है ला तो हान नु हान मिलया फिर 4 घंटे दा फर्क है ले फिर कोई प्रॉब्लम नहीं जी हां फिर तां चुन के लिया फिर बर्थ दे खर्च खुर्च कट होया करू बर्थ दे भी इक्को दिन ते एक बारी मन जांदा ना इक्को केक ना सर जांदा ए गल ठीक वीर चलो ए कोई प्रॉब्लम नहीं जी अच्छा ही कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा मेरा मेरे को तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है ना ओ किसी को भी नहीं मेरा ख्याल साडे मम्मी डैडी को वगैरह हैगा हां जी हां जी ओ तो फिर ओ तो तुम्हारा पासपोर्ट ही काफी होगा कि ओ इंडियन पासपोर्ट इशू हैगा ठीक है ओ तो साडी मम दा भी पासपोर्ट हैगा इथे अच्छा जी हां ओ भी इंडियन पासपोर्ट ओ हां ठीक है जी कोई प्रॉब्लम नहीं पैनी एफिडेविट बना के देवे नोटरी पब्लिक को आप ही मगज मारी करनी पैंदी उत्थे जाके पुछो ना जी उत्थे तां बहुत तंग करदे आ कोई पुछ ओह सारा कुछ नाल लगा के ना फिर भेजना पैंदा इहनां नूं हां इह बहुत कुछ मंगदे इंटरनेट ते पढ़ लिओ पहलां कि की मंगदे की नहीं मेरे डैडी नूं पुछण लग पए जी एक वारी के तू अपने डैडी दा बर्थ सर्टिफिकेट लैके आ तो फिर डैडी ने उहनूं पुछिआ कहिंदा तैनूं पता उह मुछां जिहा वाला भाई सी कहिंदा तैनूं पता तेरे बर्थ डैडी दा बर्थ सर्टिफिकेट कित्थे आ उह कहिंदा नहीं उह कहिंदा तूं मेरा कहिंदा पुछण डिआ मेरे तां बस जी पुछो ना जी इह ना किसे दी सुणदे नहीं इह तुहानूं पता ही है किद्दां दे उत्थे हांजी हांजी चलो जी इहनां दा मगजमारी करो पर मिल जाएगा कोई प्रॉब्लम ठीक है थैंक यू तुहाडा नो प्रॉब्लम एट ऑल ते थैंक यू आ देखो जी इहनूं कहिंदे हाण नूं हाण बर्थडे भी एक दिन तो केक भी एक दिन कटे दा तो देखो कितना वधिया बट इंडियन हाई कमीशन नाल प्रॉब्लम पैनिया तो मैं भी पता साडे डैडी नूं खुद पईआं तो मैं तो चलो वधिया बना लिया सीगा अपना पी आई ओ जदों बणदा सी उस वेले तो OCI भी नहीं सीगे बट जो भी तुसीं करना पूरी इंटरनेट ते इंफॉर्मेशन करके जे तुहानूं आप इंटरनेट नहीं पता अपने न्याणे नूं कहो इंटरनेट ते चल जूगे वैबसाइट हैगा www.hcilondon.i.n सो ओदे ते तुसी जाके पता कर सकते इंडियन हाई कमीशन की वैबसाइट है उत्थे सारा फॉर्म लिखा होंदा फॉर्म भी उत्थे होंदे आ भर के तुसी सबमिट भी कर सकते हैं तो कई बीबिया ने फोन एक बार किया कहिंदे कि जी हरिया पैसे तो आप ही पाते सी आ 6 हफ्तिया आ गया 7 च आ गया सानू सो जो हुण अनपढ़ बीबिया पा के कर सकदियां तो फिर पढ़े लिखे तो कर ही सकते हैं उहदे च अपने बन्ने च इह घाट हुंदी है कि असी कागज़ भुलाए पढ़ते नहीं प्रॉपर लिखे की भेजना चाहिए वो जरूर भर के पढ़ के एक बार भेजो तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम थानू नहीं आऊगी अड़चन नहीं आऊगी बाकी जे उही गल है कि आप मगजमारी करो इन्हों वकील तक वकीलों को कितों पुछते उत्थे इंडियन हाई कमीशन थानू दस्या ही है कि वकील के पे पुछते कि अपने पे का बर्थ सर्टिफिकेट लैके आ तो मुचड़ू जहा सी बेचारा कोई पिछे बैठा साउथ इंडियन उन्होंने फिर डैडी ने कहा कहिंदा यार तैनू पता तेरे पे का बर्थ सर्टिफिकेट कितने आ कहिंदा नहीं कहिंदा मैं कहूँ पुछन दिया फिर डैडी ने अपना लंबरदारी का कार्ड कढ़ा कढ़िया इंडिया का जो ID हुंदा कहिंदा आए देखो मेरे को ID हैगी इंडिया की कहिंदे ये क्या है कहिंदा डैडी कहिंदा मैं लंबरदार हाँ आई एम लंबरदार कहिंदा वो क्या होता है वॉट इज़ लंबरदार फिर डैडी ने आया गुस्सा कहिंदा तू बाहर आया 5 मिनट तैनू मैं दसदा लंबरदार की हुंदा सो उत्थे तां आ कम हुंदा आ चलो